दोस्तों, आज हम एक और मनी अर्निंग ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। यह है एक गेमिंग ऐप है, नॉस्ट्रा गेमर्स। कैसे इसे यूज़ लेके मनी अर्न कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए आप यह वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, नॉस्ट्रा गेमर्स ऐप को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करें और ओपन करें। दोस्तों, जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप इसे हिंदी लैंग्वेज में भी यूज़ ले सकते हैं। फिर आपको कनेक्ट विथ फोन नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के राइट के ऊपर क्लिक करके OTP से वेरीफाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है और जो रेफरल कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, जिससे आपको स्टार्टिंग में कुछ रेफरल अमाउंट मिल जाएगा। और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको वेलकम बोनस रिवॉर्ड मिलता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर शो मी द ऑफर्स के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे कुछ ऑफर शो हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो अमाउंट। स्टार्ट प्लेइंग के ऊपर क्लिक कीजिए। दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है, आप इसके होम पेज के ऊपर आ जाते हैं। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से और रेफर कोड यूज़ लेते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ मिलते हैं। यहाँ पे आपको पोकर का कैश अलग से मिलता है 50 रुपीज़, और जो रमी कैश होता है वो आपको अलग से यहाँ पे 200 रुपीज़ मिलता है। जो भी आपकी गेम विनिंग्स होगी वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। सभी गेम्स से हटके इसमें एक लॉयल्टी फीचर है, यह सबसे मेन फीचर है इसका। इसीलिए सबसे पहले यह मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें 4 से 5 लेवल्स है, ब्रॉन्ज लेवल है, जहाँ पे आप इन प्रोडक्ट की भी शॉपिंग कर सकते हैं। यानी यहाँ पे कार, मोबाइल, सभी तरह के प्रोडक्ट है। कैसे आप इन्हें बाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिल्वर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे, गोल्ड में जाएंगे तो ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, प्लैटिनम में जाएंगे तो ये मिल जाएंगे, डायमंड में जाएंगे तो आईफोन मिल जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। कैसे होता है इसमें, जैसे लेवल 1 इसमें ब्रॉन्ज है तो आपको यहाँ पे 1 LP रिक्वायर्ड होंगी, जो यह LP पॉइंट होते हैं। ये जितना ज़्यादा आप गेम प्ले करते हैं और मनी ऐड करके गेम प्ले करते हैं तो आपको यह पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल LP होते हैं उनको आपको कन्वर्ट करना होता है स्टोर क्रेडिट के अंदर। आप यहाँ पर हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल जाएगी। इसके अलावा बहुत इजी है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 1499 यहाँ पे स्टोर क्रेडिट चाहिए आपको, जो ये बोट के स्टोन स्पीकर है इनको बाय करने के लिए। तो आपके पास जैसे ही यह है टोटल LPs आते हैं, आप इनको कन्वर्ट कर दीजिए स्टोर क्रेडिट के अंदर और आप यह बोट के स्पीकर बाय कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप सिल्वर के अंदर चल जाते हैं, अगर आपके पास 5000 LPs हो जाते हैं यहाँ पे, तो आप सिल्वर वाले टैग के अंदर चल जाते हैं। फिर आप यहाँ पे जाके ये वाले प्रोडक्ट्स भी बाय कर सकते हैं। तो इस तरह आपका लेवल अपग्रेड होता रहता है और आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। धीरे धीरे आप गेम प्ले करते हैं तो नीचे आप स्क्रॉल करके इसके सारे लेवल्स देख सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। आपको धीरे धीरे प्ले करते करते समझ में आ जाएगा कैसे गेम को प्ले करते हैं। आप यहाँ पे लर्न टू प्ले के ऊपर क्लिक कीजिए, इजीली आपको पता चल जाएगा। फिर भी मैं एक बार क्रिकेट में टीम ज्वाइन करके आपको बता दूंगा। टॉप पे जो भी करंट ऑफर्स चलते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप डिपॉजिट कर सकते हैं अमाउंट को। जो भी सारे न्यू ऑफर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें फैंटेसी यानी क्रिकेट गेम्स के अलावा इसमें आपको यहाँ पे गेम्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें सभी गेम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पोकर, रमी या फिर क्विज डील्स हो गई, पूल क्लब हो गया, कैंडी क्रशर हो गया, क्रिकेट हो गया, हीरो हो गया और ये टैट्रिक्स मैनिया ये हो गया। तो आप इन्हीं सभी गेम्स को यहाँ पे गेम्स के ऊपर प्ले कर सकते हैं क्लिक करके। एक्टिविटीज़ में जो भी आपके नोटिफिकेशन होते हैं, ऑफर्स होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे फैंटेसी गेम्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखेंगे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। इसमें अभी तक मैंने कोई भी यहाँ पे मैच ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको यहाँ पे एक क्रिकेट का मैच ज्वाइन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स गेम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्रिकेट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप 2 टाइप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आपकी ड्रीम टीम ज्वाइन करनी हो या फिर पिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड मैच आ जाएंगे। अभी हम यहाँ पे ऑल के ऊपर ही क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक यह पिक्स नया ऑप्शन दिया गया है, ड्रीम टीम होती है एक, तो ड्रीम टीम के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट टीम करनी होती है, या आपके पास टीम बनी हुई है तो आप अपलोड टीम भी कर सकते हैं।
इसके अलावा जो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये पिक्स का है, इसके अंदर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे ही आप क्रिएट अ सेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इनके इस तरह आंसर सेलेक्ट करने होंगे और आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपके आंसर करेक्ट जाते हैं और आपकी रैंक हाई आती है तो आप यहाँ पे विनर अनाउंस हो जाते हैं। माय कॉन्टेस्ट में जाके इसके कॉन्टेस्ट देख सकते हैं, जो भी आपने ज्वाइन किया है कौन से इसमें कॉन्टेस्ट चल रहे हैं तो वो आप यहाँ पे जाके इस प्राइस के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम माय 11 सर्कल और भी गेमों की तरह इसे प्ले कर सकते हैं। मैच इन्फो में जाके आप मैच की इन्फो देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ड्रीम टीम में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं कॉन्टेस्ट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे इसे 40 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं प्राइस पूल को, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसे यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। इसकी जो आप प्राइजेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो भी रूल्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट अ टीम के ऊपर क्लिक करता हूँ, विकेट कीपर सेलेक्ट करता हूँ। 4 में से कम से कम मैं यहाँ पे 3 विकेट कीपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मेरे को बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैं 6 बैट्समैन में से यहाँ से मैं 4 बैट्समैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराउंडर मेरे को 1 से 4 सेलेक्ट करने हैं। एक मैंने चलिए मान लीजिए यहाँ पे 1 ऑलराउंडर सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा फिर मेरे को बॉलर सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैं 3 बॉलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे इस तरह टीम प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप अपनी टीम का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं। फिर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है और सेव टीम के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी टीम क्रिएट हो जाती है। अब आप यहां से कॉन्टेस्ट में जाके कोई भी मैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप ये वाला मैच ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप प्राइस चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस मिल रही है। तो अभी मैं एक बार फर्स्ट वाला मैच ही ज्वाइन करके देख लेता हूँ। फिर आप यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे देखेंगे कि 4 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे के ऊपर क्लिक करूँगा इस मैच के अंदर मैं ज्वाइन हो जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे को यह मैच ज्वाइन नहीं करना है। तो इस तरह आप यहाँ से किसी भी मैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका मैच ज्वाइन नहीं होता है तो कई बार आपको यहाँ पे अमाउंट ऐड करना होता है, वो आप डिपॉजिट के अंदर जाके यहाँ पे क्लिक करके अमाउंट इजीली डिपॉजिट मनी के ऊपर क्लिक करके इजीली अमाउंट ऐड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको ऐड करना है। अमाउंट को विड्रॉ कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर आना है और नीचे आप यहाँ पे वॉलेट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे जो भी आपका गेम विनिंग का अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करके ईजिली आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम, पैन कार्ड डिटेल, डेट ऑफ बर्थ डालिए, इमेज अपलोड कीजिए और जो भी आपकी KYC है वो कंप्लीट कर दीजिए और इजीली आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्या।